दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टेंस क्या होते हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि टेंस क्या होते हैं। टेंस दोस्तों किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप होता है जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य यानी कि वर्क का समय यानी कि टाइम के साथ क्या संबंध है। यानी कि दोस्तों जो काम हो रहा है वो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में हो रहा है या फिर बीते हुए समय यानी कि पास्ट में हुआ था या फिर भविष्य यानी कि फ्यूचर में होने वाला है। इसीलिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टेंस के सेंटेंसेस में जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो दोस्तों टेंस में किसी कार्य या घटना के होने का समय टाइम से होता है, इसीलिए समय के अनुसार वर्ब के रूप में होने वाला परिवर्तन टेंस कहलाता है। यानी दोस्तों टेंस में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, पहला टाइम, दूसरा वर्क। तो टाइम की अगर बात करें तो टाइम तीन तरह के हो सकते हैं। पहला वह जो समय बीत चुका है यानी कि पास्ट टाइम, और दूसरा वो जो अभी चल रहा है यानी कि प्रेजेंट टाइम, और तीसरा वो समय जो अभी आगे आने वाला है यानी कि फ्यूचर टाइम। तो इस तरह से दोस्तों टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है, और पास्ट टेंस जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल जो समय आगे आने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों इन सभी के अपने चार चार सब टाइप्स होते हैं जो कि हैं इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट का दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट का चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से दोस्तों जो पास्ट का होगा, पास्ट का पहला पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों इस तरह से प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के चार, टोटल मिला के 12 टेंसेस होते हैं, और इन 12 टेंसेस की वीडियो जल्द ही चैनल पे आ रही है। और दोस्तों उन वीडियोस को बनाने में हमने एक चीज़ का विशेष ध्यान रखा है कि उन वीडियोस को देखने के बाद आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे, यानी कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्त अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड के काम की है तो इस वीडियो को उस तक पहुँचाइए, इसको शेयर करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।